फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन सिंह और आज मैं आपके लिए नया टेक वीडियो लेके आ चुका हूँ। मेरे साथ अंशुमान सिंह है जो कि ये मेरी टीम के एक मेंबर है, तो ये अपने बारे में खुद बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशुमान सिंह और मैं एक टीएल टीम का एक मेंबर हूँ और साथ ही साथ इनके वीडियो के आइडियाज देता हूँ और मैं इनके सबटाइटल लिखता हूँ। हाँ, तो जी हाँ, हम दोनों मिलकर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम दोनों बताने वाले हैं सोनी साइबर शॉट HX350 के बारे में। तो ये एक कैमरा है जो कि बहुत ही जल्द ही लॉन्च हुआ है, तो और इस कैमरे की पहले लुक्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और इसके बाद मैं अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, तो इसमें जो जूम अहेड है वो मैं बताता हूँ। और इसमें आपको मिलेगा 100 टाइम क्लियर इमेज जूम। ये एक कॉम्पैक्ट कैमरा है जो कि DSLR की तरह परफॉर्म कर सकता है, भले ही आपका ऑब्जेक्ट दूर या पास हो। इसका 20.4 मेगापिक्सल कैमरा और इसका XMR सेंसर आपको अच्छी फ़ोटो खींचने में मदद करे, और इसका बायोन्स एक्स सेंसर आपकी खींची हुई फोटो की डिटेलिंग करता है। अब मैं इसमें तीन सेंसर दिए गए हैं इस कैमरे में, तो पहले सेंसर की बात कर लेता हूँ XMR। अब मैं बता देता हूँ XMR के बारे में, इसमें जो इस सेंसर क्या काम करता है आपके लिए। अगर आप जहाँ पे इमेज खींच रहे हैं तो अगर वहाँ पे अगर लाइटनिंग लो या ज़्यादा है तो ये उस प्रॉब्लम को फिक्स करता है, और ये जो सेंसर है ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। इसके बाद मैं एक और सेंसर के बारे में बात कर लेता हूँ, बायोन्स एक्स। तो ये सेंसर आप जब अगर रिकॉर्डिंग या शूटिंग कर रहे होंगे तो आप जो कलर होंगे उसे बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई करेगा, जो बैकग्राउंड नॉइजेस होती हैं उन्हें काफ़ी हद तक कम कर देता है, और ये पिछले बायोन्स सेंसर से 3 गुना ज़्यादा अच्छा है। एक और फीचर मिलता है आपको जीज लेंस। तो जीज लेंस का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। बात कर लेता हूँ जीज लेंस के बारे में, जो ये लेंस है इसमें आप ये क्या काम करता है आपके लिए वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको 50 टाइम ऑप्टिकल जूम मिलेगा, और ये लेंस आपकी इमेज की डिटेल और कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है, और इस लेंस में आपको मिलेगा ऑप्टिकल स्टडी शॉट। तो मैं बात कर लेता हूँ जूम एंड क्लैरिटी की। जैसे आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं 1x पे ये इमेज कैसी दिख रही है, और 50x पे कैसी दिख रही है। 1x जब है तो पेड़ों के बीच में जो बिल्डिंग है वो 50x के बाद इतनी क्लियर आ रही है। जो स्टडी शॉट मैंने आपको बताया था वो इसी काम आता है। अगर आप जैसे कि कोई नॉर्मल कैमरा अगर आपके पास है, अगर आप उसे जूम करके फ़ोटो खींचते हैं तो आपका हाथ जब हिलता है तो फ़ोटो भी हिल जाती है, पर जो इसका स्टडी शॉट है वो इसी काम आता है कि जब आप इसमें जूम करके फ़ोटो खींचेंगे तो आपका जो हाथ अगर हिल भी रहा होगा तो फ़ोटो नहीं हिलेगी। मैं एक और पॉइंट की बात कर लेता हूँ जूम एंड क्लैरिटी का। इस पॉइंट का नाम है ट्रैक द एक्शन। अब ये पॉइंट क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कोई एक्शन की फ़ोटो खींचना चाहते हैं, एक्शन मतलब मैं मूवी से बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मूवी का एक्शन, जैसे रियल लाइफ में कोई एक्शन होता है, अगर आप एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप जंप कर रहे हैं तो आपको ऐसी फ़ोटो खींचनी कि मैं बीच में ही खींच लूँ जंप, जब आपने की तुरंत खींच लूँ ऐसा लगे कि आप हवा में, तो आप ऐसे हवा में लटके तो रहेंगे नहीं कि आपको फ़ोटो खिंचवानी तो मैं हवा में लटक जाता हूँ थोड़ी देर, ऐसा नहीं। जैसे आप हवा में कूदेंगे अगर आपने उसके बीच में क्लिक कर दिया तो आपकी एकदम क्लियर जूम आएगी, ऐसे ही लगेगा कि आप हवा में ही हैं। तो ये जो था ट्रैक एंड एक्शन ये इस काम आता है। मैं इस कैमरे की हैंडलिंग की बात कर लेता हूँ। इस जब ये कैमरा आप पकड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप DSLR कैमरा पकड़े हुए हैं, इसमें ऐसी फील आती है क्योंकि इसमें है ईजी टू यूज़ कंट्रोल और साथ ही साथ एक एर्गोनॉमिक ग्रुप, और इसमें जो बटन्स और फीचर्स दिए गए हैं वो एक साथ एक दूसरे से सटा के दिए हुए हैं कि आपको ज़्यादा अपने फिंगर्स को मूव ना करना पड़े इधर उधर, बिल्कुल एक प्रोफेशनल कैमरे की तरह। तो इसके बाद एक और फीचर मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें एक LCD स्क्रीन दी गई है। जैसे आप इमेज देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये स्क्रीन हल्की सी बाहर भी निकलती है। इस स्क्रीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ अब, और इस स्क्रीन में आपको अपनी जो आपने जो फोटो या वीडियो जो खींचे होंगे या रिकॉर्ड किए होंगे आपको एकदम क्लियर और ब्राइट दिखाई देंगे, और इस स्क्रीन में 921K डॉट रेजोल्यूशन है जिसके साथ एक्स्ट्रा फाइन LCD वाइट मैजिक है, और इसमें जो स्क्रीन का साइज जो दिया गया है वो है 7.5 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, मतलब कि 3 इंच की स्क्रीन आपको इसमें दी गई है। अब इसके बाद मैं एक और फीचर बता देता हूँ जो कि इस कैमरे में दिया गया है, मोड डायल। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं आप इसमें डायल दिख रहा है आपको, अगर उसे घुमाने से आपको डिफरेंट टाइप के मोड चुन सकते हैं, और इस डायल की वजह से आपको क्विक एंड सिंपल कंट्रोल मिलेगा। इसके बाद एक और फीचर इस कैमरे में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। इसमें 201K डॉट रेजोल्यूशन व्यू फाइंडर है, और इसमें आपको 100% फील्ड कवरेज मिलेगी, और आपको फ्रेमिंग, फोकसिंग एंड शॉट रिव्यूइंग मिलेगी, आपको ये 3 फीचर मिलेंगे।
और इसमें आपको एक फुल एचडी, इसके जो दूसरा फीचर है फुल एचडी रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं, और आपको इसमें स्टडी शॉट मिलेगा। अगर आप चलते हुए भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो आपकी वीडियो पे चलने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको दो मोड मिलेंगे, फुल एचडी 1080p का, और एक मिलेगा AVC HD रिकॉर्डिंग का, जिसमें आप फोटो खींच सकते हैं। तो आपकी दो, आपको बताया मैंने अभी, आपको HD के दो मोड मिलेंगे। इसके बाद एक और फीचर है इस कैमरे में दिया गया है, इस जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं एक डॉग है इसमें। तो इस फीचर जो फीचर है वो क्या काम करेगा आपके लिए वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आप वॉक करते हुए कोई अगर आपकी फ़ोटो खींच रहा होगा तो आपके जितने भी मोशंस होंगे वो एक ही बैकग्राउंड में सेट हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंटेलिजेंट एक्टिव मोड के बारे में। तो उसके बाद जो फीचर है वो इस जो फीचर के क्या काम करता है वो मैं बताता हूँ। जो आपका जो कैमरा जो हिलता था वो तो ये फीचर उनसे तो बचाएगा ही, पर जो धुंधलापन आता था इमेज में ये कैमरा उनसे भी आपकी इमेज को बचाएगा। तो इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस कैमरे में कुछ आपको फोटो एडिटिंग के फीचर मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन बताने को है नहीं। तो कैमरे में एक और फीचर आपको ये कंपनी देती है कि आप जो अपना कैमरा है आप उसे अपने 4K टीवी से भी अटैच कर सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि वो अगर आप अपना कैमरे की इमेज 4K टीवी में देखेंगे तो वो फटी फटी या धुंधली नज़र आएगी। जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो इमेज आपने जैसी खींची होगी वो आपको वैसी ही टीवी पर दिखाई देगी। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसकी जो हाईलाइट्स दी गई हैं, आप उसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कैमरे का साइज, वो मतलब कैमरा कितना बड़ा है और कितना चौड़ा है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो ये जो मेरे दोस्त हैं अंशुमान सिंह जो मेरे साथ थे इस वीडियो के बीच में, तो वो कुछ कहना चाहते हैं वो आप सुन लीजिए। तो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और तो इनका भी वही कहना था जो मैंने कहा, तो उसमें तो आप दो दो बार सुन चुके हैं आप उसमें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो ये वीडियो है शेयर जरूर करिएगा।